ये मैंने अभी एक मोटरसाइकिल देखी है, ये पीछे लिखा हुआ है इमरजेंसी सर्विसेज। साहब आप 2 मिनट मेरी जरा इंतजार करेंगे, इमरजेंसी सर्विसेज फर्स्ट एड बॉक्स। इनकी हेलमेट के पीछे लिखा हुआ है एम्बुलेंस स्कॉट यूनिट इमरजेंसी सर्विसेज। यहाँ पर इनका मैं फोन नंबर देख पा रहा हूँ, इंडियाज फर्स्ट फ्री एम्बुलेंस स्कॉट सर्विस। आई एम रियली एस्टॉनिश्ड एंड सरप्राइज्ड। अपने हेलमेट होता थोड़ा साइड कर लेंगे प्लीज गाड़ी को अपनी। ये मैं एक्चुअली मैं यहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक को रिकॉर्ड कर रहा था जी, तो मुझे कुछ ये अजीब सा नजर आया तो मैंने आपको तकलीफ दी रुकने के लिए, और धन्यवाद आपका कि आप रुके जी। थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि एक्चुअली ये है क्या? ये मोटरसाइकिल बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि एक एमरजेंसी व्हीकल है। सर ये एम्बुलेंस एस्कॉर्ट व्हीकल है। एम्बुलेंस को आप एस्कॉर्ट करते हैं? जी एम्बुलेंस को एस्कॉर्ट करते हैं। दूसरा कोई भी एक्सीडेंट होता है उनको फर्स्ट एड देते हैं एट प्रेजेंट उस टाइम। ओके ओके। और जब एम्बुलेंस आ जाती है फर्स्ट एड देने के बाद में, एम्बुलेंस जब आ जाती है तो एम्बुलेंस को हॉस्पिटल तक एस्कॉर्ट करते हैं। आपका मैं शुभ नाम जान सकता हूँ? आनंद कुमार। आनंद कुमार जी, मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा मैं आपका इंटरव्यू कर लूँ। हाँ, क्योंकि मैं खुद एक सोशल वर्कर हूँ और एक्सीडेंट विक्टिम्स को असिस्ट भी करता हूँ, हॉस्पिटल भी पहुँचाता हूँ, और खुद जब सड़क पर चल रहा हूँ मुझे कोई एम्बुलेंस आती हुई दिखती है जी, तो मैं उसके लिए रास्ता भी बनवाता हूँ जी जी। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ 10 मिनट बैठ के अपना कीमती समय दे दीजिए मुझे, ताकि मैं आपके एक छोटी सी इंटरव्यू करके एक अवेयरनेस जो है लोगों के अंदर पहुँचाऊँ कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं जी। तो प्लीज आप मेरे साथ 10 मिनट बात करेंगे? ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी आनंद जी नमस्कार। नमस्कार। मैंने अभी आपका रास्ते में आपको रोका और तकलीफ दी कि आप मेरे पास में आके थोड़ा सा अपने बारे में बताएं जी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आपके मन में ये इनिशिएटिव आया, ये आया कहाँ से, कैसे आपने ये चीज सोची? ये सर एक्चुअली में मैंने कई बार देखा कि ट्रैफिक में एम्बुलेंस फंसी रहती है और लोग रास्ता नहीं देते जी, और सड़क पे अगर कोई एक्सीडेंट होता है उनको फर्स्ट एड मिल नहीं पाता। तो एक ही थोड़ा सा आइडिया आया था 2 साल पहले जी, जी। तो लगभग 1.5 साल से बिल्कुल चालू है ये। ओके। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि एक्सीडेंट होता है या कोई भी इमरजेंसी है जी, तो इसमें सबसे पहले उनको फर्स्ट एड दिया जी। अगर कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो उसकी ब्लीडिंग को रोकना है। मैं देखा था आपके मोटरसाइकिल के पीछे एक फर्स्ट एड बॉक्स भी है जी जी। और अगर कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है तो उनको CPR वगैरह देना। उसके बाद में एम्बुलेंस को कॉल करना जी, और जब एम्बुलेंस आ जाती है पेशेंट उसके अंदर जी, और उसके बाद में एम्बुलेंस को हॉस्पिटल तक लेके जाना। और अभी आपने कितनी मोटरसाइकिल्स रखी हुई हैं इस तरह से? अभी सर मेरे पास 4 बाइक्स हैं मेरे पास में। और इनका कीमत कैसे जुटता किया आपने? कोई फंडिंग या किसी ने आपको स्पॉन्सर किया? नहीं सर, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, कोई कहीं से फंडिंग नहीं आई। और आपको घर से इसके लिए सपोर्ट मिल रहा है? वो ये तो नहीं कह रहे कि आप घर को देखिए दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं? थोड़ा बहुत प्रेशर आता है जी, और कुछ वो सपोर्ट भी करते हैं जी। फैमिली में मेरी वाइफ है, मेरी सपोर्ट करती है। और कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से कभी कोई प्रॉब्लम आपको, जैसे गाड़ी आपने बनाई हुई है कि उसमें कभी आपको कभी कोई इशू आया हो, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन किया हो? सर फिलहाल तो कुछ नहीं आया जी। ट्रैफिक पुलिस वाले भी सपोर्ट करते हैं जब वो देखते हैं कि एम्बुलेंस एस्कॉर्ट सर्विस और इस टाइप का बाइक है, आइडिया है जी। नाइस। यहाँ पर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर आपकी नीयत साफ है तो परमात्मा नेचर भी हमारी हेल्प करती है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आप फीलिंग इसको, क्योंकि मेरे में ये बहुत गहरी फीलिंग है जी, कि अगर हम कोई काम अच्छा कर रहे हैं और हमारी नीयत में कोई लालच या कोई खोट नहीं है जी, तो नेचर सराउंडिंग वो हमें ऑटोमेटिकली सपोर्ट करता है। आपने एंडोर्स किया इस बात को। इसका नाम है फ्री एम्बुलेंस एस्कॉर्ट सर्विस। और आपका काम करने का समय क्या रहता है? कोई भी इमरजेंसी है जी तो 24 घंटे तैयार। पता कैसे चलता है आपको कि इमरजेंसी? सर मेरी बाइक में फोन नंबर डिस्प्ले है। ओके। और कुछ स्पॉट हमने बना रखे हैं कैट्स एम्बुलेंस की तरफ से, कुछ एक स्पॉट में लेते हैं एक्सीडेंटल स्पॉट। अच्छा। जहां पर एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। ओके। उन जो स्पॉट्स हैं उस पे जाकर के हम लोग होते हैं, तो वहां देखते हैं हम लोग कि कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो रहा जी, और अगर कोई
किसी भी तरह की वारदात होती है या चोट लगती है किसी को तो उसमें हेल्प करते हैं। इवन यहाँ तक हम लोग ये भी देखते हैं कि अगर किसी बस स्टैंड पे शाम को रात को कोई लेडी अकेली है जी, तो हम लोग वहाँ रुकते हैं जी, जब तक उनको ट्रांसपोर्ट मिल नहीं जाता है तब तक हम लोग वहाँ से नहीं जाते। ओके ओके, दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। अच्छा, अभी तक आप कितने इस तरह के एम्बुलेंसेज या पेशेंट्स को एस्कॉर्ट कर चुके हैं, अगर मैं अंदाजन पूछूं तो? 300-400 के आसपास में। कितने ये कितने सालों में, 3 साल जो आपने किए जो बता रहे हैं? सर ये 1.5 साल में। ये 1.5 साल का है। आनंद जी, ये आपका मिशन जो है मुझको तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है। थैंक यू। और एक बात मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरे लेवल के ऊपर जितना मैं इसके बारे में लोगों को अवेयर कर सकता होऊंगा मैं करूँगा जी। और आपके साथ में मैं जुड़ना भी चाहूँगा, मेरे पास अपनी गाड़ी है जिसमें मैं ऑलरेडी रोड सेफ्टी एक्टिविज्म करता रहता हूँ दिल्ली और दिल्ली के बाहर भी जी। तो उम्मीद है कि हम लोग हाथ मिलाएंगे, 1 और 1 11 होते हैं जी सर, और ज़रूरतमंद लोगों को जितना हम सहायता कर सकेंगे निस्वार्थ रूप से वो हम तो कम से कम आपसे वादा कर सकते हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल सर। थैंक यू जी, थैंक यू आनंद साहब।